बीसीसीएल ने मनाया कोल इंडिया का स्थापना दिवस। हजारों कोल कर्मियों को प्रमोशन, चयनित बेस्ट जीएम और बेस्ट महिला कोल कर्मी को कोलकाता में सम्मानित। धनबाद कोल इंडिया की सभी अनुषंगी इकाइयों में 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जिले के कोयला नगर स्थित बीसीसीएल के मुख्यालय कोयला भवन में भी स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा, शहीदों को श्रद्धांजलि और प्रभात फेरी के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीसीसीएल के कार्मिक निर्देशक आरएसएस महापात्रा सहित गणमान्य अधिकारी ने शहीद स्मारक पर बने शहीद वेदी पर माला अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अधिकारियों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। मौके पर उपस्थित कार्मिक निर्देशक आरएस महापात्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों कोल कर्मियों को प्रमोशन कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही बीसीसीएल के सिजुआ एरिया के जीएम पी चंद्रा को बेस्ट जीएम और एक महिला कोल कर्मी को बेस्ट कर्मी के रूप में चयनित किया गया है, जिन्हें कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में सम्मानित किया जाएगा। हमारे सभी क्षेत्र में मुख्यालय में आज प्रभात फेरी, ध्वजारोहण तथा कर्मचारियों के आज प्रमोशन का कार्यक्रम सब निकलेंगे और हमारे कंपनी के बेस्ट जीएम जो है सिजुआ एरिया का जीएम चंद्रा साहब है, बेस्ट महिला कर्मचारी भी चुनित किए गए हैं जो कि आज कोल इंडिया में और ये जैसे ये स्थापना दिवस है तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ संकल्प लिया गया है, बीसीसीएल के उत्पादन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? उत्पादन आज तो देश में कोयले की काफ़ी ज़रूरत है जो कि बिजली की आवश्यकता को देखते हुए कोयले की आवश्यकता है, तो बीसीसीएल में हम लोग को काफ़ी प्रयास है। अभी नए नए प्रोजेक्ट भी 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स है उसको भी डेवलप करके हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाना अभी आवश्यक बढ़ाया जा रहा है। कौन से ये नए 4 प्रोजेक्ट्स है? कोटे में आपका है, कोटा जिला में जी 4 प्रोजेक्ट है। और विशेषकर धनबाद में जो खदाने वगैरह चल रही है, माइंस चल रही है धनबाद में, तो उसमें विस्तार को लेकर के क्या आपकी तैयारी है? विस्तार तो करना है, विस्तार करने के लिए हम लोग जो पहले सराउंडिंग में माइंस के ऊपर जो लोग बसे हैं उनको वहाँ से विस्थापित करना जरूरी है। हमारे एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर बन गए हैं और जो आउटसाइडर के लिए जेआरडीए की तरफ से कलेक्टर साहब की तरफ से आवश्यक कदम दिए जा रहे हैं, उनको वहाँ से विस्थापित करना है। आवश्यक योजना के अनुसार करने से ही यहाँ का मेन